आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे बच्चे, तुम माँ जिंदगी में बहुत ही मुश्किल वक्त देख रहे हो। अगर आज जिंदगी तुम्हारा साथ नहीं दे रही है, हर तरफ से परेशानियों ने तुम्हें घेरा हुआ है, तो हमेशा याद रखना, उस मालिक को सब पता है। चाहे तुम किसी को बताओ या ना बताओ, उस मालिक को सब पता है कि तुम्हारे मन में क्या हलचल मची हुई है। हिम्मत बिल्कुल मत हारना। जितने चोटें खाई है ना तुमने जीवन में, वो ज़रूर तुम्हारे काम आएगी। ईश्वर अब सब ठीक करेंगे। जितनी मुश्किलें और कष्ट सहे हैं ना तुमने, अब उतनी ही वो परमात्मा तुम्हें जिंदगी में सुख और सुकून देंगे। परवाह किसी भी चीज़ की मत किया करो, जो तुम्हें सही लगता है वो किया करो। जितना तुमने सब्र रखा है ना, वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। जितना तुमने दुख सहा है, उतना ही ईश्वर सुख भी लेकर आएगा। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, घर पर आर्थिक तंगी चल रही है काफ़ी समय से, लेकिन तुमने कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया और तुम्हें ज़रूरत भी नहीं है हाथ फैलाने की, क्योंकि जब वो मालिक तुम्हारे साथ है तुम्हें सब कुछ देने के लिए, जब सही वक्त आता है वो ज़रूर देता है। और वो ही हमारे रखवाले हैं। हम सबके लिए क्या सही है वो हमसे बेहतर जानता है, और वो ज़रूर देगा, और वो ही देगा। किसी के आगे हाथ फैलाने की या किसी और से मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। यूँ हताश होने की, यूँ निराश होने की भी ज़रूरत नहीं है। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, वक्त किसी का भी मित्र नहीं होता। आज उनका अच्छा चल रहा है तो कल तुम्हारा भी ज़रूर अच्छा आएगा। तुमने उम्र भर सबका बहुत साथ दिया है, तुमसे अच्छा साथी कोई नहीं हो सकता। बीते कल और बीती बातें ऐसी हैं जो तुम भुला कर भी नहीं भुला पाओगे। कहते हैं कभी नहीं आता बीता हुआ कल, लेकिन लोगों के बर्ताव बीते हुए कल में भी चाह कर भी कभी भुलाए नहीं जा सकते। कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, तुम्हारे साथ रहे ना रहे, अब तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम मुझे ही सब कुछ अपना मानते हो। हमेशा ये बात याद रखा करो मेरे बच्चे, कि वो मालिक कुछ भी कर सकता है। उन्होंने कब तुम्हारी तकदीर बदल देनी है तुम्हें पता भी नहीं चलना। वो ईश्वर, वो परमात्मा कभी भी नाप तोल कर नहीं देता। एक बार जब वो देने पर आता है ना, तो वो बेहिसाब ही देता है। जब वो तुम्हारे ऊपर सुखों की बरसात करेगा, तो तुम्हें पिछली कोई पुरानी बातें याद नहीं रहेंगी। वो तुम्हारे एक एक आंसुओं की कीमत चुकाएगा। जब वो मालिक तुम्हारे जख्म भरेंगे, तब तुम अपनी हर एक तकलीफ से मुक्त हो जाओगे। और जो मैं कहने जा रहा हूँ ना मेरे बच्चे, उसे ध्यान से सुनो और तुम्हारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। हमेशा याद रखना, आपको ऐसे ही लोग डुबाने की कोशिश करते हैं जिन्हें तैरना आपने खुद ही सिखाया होता है। और जब वो आपको डुबा नहीं पाते, तो वो आपके चरित्र पर उंगली उठाते हैं। जब वो आपको हरा नहीं पाते, तो वो आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करके आपको बर्बाद करना चाहते हैं। लोगों को संतुष्ट करते करते तुम्हारी ज़िंदगी बीत जाएगी, लेकिन फिर भी वो तुमसे कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे, कभी भी प्रसन्न नहीं होंगे। इसलिए अगर प्रसन्न करना ही है, खुश करना ही है, तो वो उस मालिक को करो जो ऊपर बैठा है। संसार के लोगों को खुश करने में अपना समय व्यर्थ मत करो। अपने लिए भी कुछ खुशियाँ ढूंढो, अपने लिए भी जीना सीखो। जो रास्ता तुम्हारा नहीं है, वो मंजिल भी तुम्हारी कैसे हो सकती है? तुम खुद को किसी से कम मत समझो, क्योंकि जहाँ चाहा है वहाँ राह है। तुम कदम बढ़ाओ, मंजिल तक मैं पहुँचाऊँगा तुम्हें। तुम्हें हर तरफ सफलता और खुशियाँ ज़रूर मिलेगी जीवन में। कभी भी हार के मत बैठना। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।